संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से होगा शुरू। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में दोनों सदनों की होगी 19 बैठकें। केंद्र सरकार ने दालों की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा की निर्धारित। थोक विक्रेता 200 टन और खुदरा विक्रेता 5 टन तक कर सकेंगे भंडारण। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का लगाया आरोप। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने किसानों के वीसीआर भरने की प्रक्रिया को तत्काल बंद करने की रखी मांग। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ली रोडवेज की समीक्षा बैठक। 550 नई बसें खरीदने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। और जयपुर के चौप क्षेत्र में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। जेडीए ने आरसीए को सौंपा आवंटित भूमि का पट्टा।